दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेब द किलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्त दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन जेब को जीप में लादकर पुलिस स्टेशन ले ही जा रहे होते हैं कि रास्ते में आंखें खुल जाती है और वो सोन को लेकर जंगल में कूद जाता है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बुल्ली सीधे चले जा रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली को जरा सा भी भनक नहीं है कि जेब सोन को लेकर जंगल में कूद गया है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बेटा बुल्ली, अगर जेब को पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले कर देंगे तो हमें सरकार से मोटा इनाम मिलेगा, जिससे हम लोग वर्ल्ड टूर करने चलेंगे, देश विदेश घूमेंगे। गुल्ली गुल्ली से बोलता है, हाँ गुल्ली, अगर एक बार हमें पैसा मिल गया तो हम लोग देश विदेश घूमने जाएंगे। और सोन को तो देश विदेश गुल्ली सोन को बोलता है, क्या सोन, तुम खुश हो ना, लेकिन सोन तो पीछे है ही नहीं। गुल्ली बोलता है कि सोन को लगता है कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और फिर जब गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे सोन नहीं दिखता है। गुल्ली गुल्ली से जोर से चिल्लाकर बोलता है, गाड़ी यहीं पर रोक दो गुल्ली। गुल्ली गाड़ी को रोक देता है और बोलता है, क्या हुआ। गुल्ली बोलता है, पीछे देखो, पीछे सोन और जेब दोनों में से कोई नहीं है। गुल्ली बोलता है, कहीं जेब सोन को लेके जंगल में तो नहीं कूद गया, कहीं वो सोन को मार तो नहीं देगा, हमें जाकर देखना होगा। गुल्ली बोलता है, गुल्ली जल्दी से गाड़ी मोड़ो और जल्दी से जंगल की तरफ फिर से लेकर चलो। दोस्तों गुल्ली बुल्ली फिर से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली का डर के मारे तो पूरा हाल हुआ हुआ है। गुल्ली बुल्ली तो बस यही सोच रहे, कहीं जेब सोन को मार तो नहीं दिया है। गुल्ली बुल्ली दोनों चल ही रहे होते हैं, तभी सोन आगे से दौड़ता दौड़ता आता है, दोनों जीप को रोक देते हैं। सोन तो काफी ज्यादा हांफ रहा है। गुल्ली बोलता है, सोन तुम पीछे कैसे रह गए, मैं तुम्हें बहुत खोज रहा था, मुझे तो लगा जेब तुम्हें मार देगा। सोन बोलता है, बचा कर आया हूँ, जेब मुझे मारने ही वाला था, मैं उसके मुंह पे एक ईटा मार के भाग गया। सोन रोने लगता है और बोलता है, साला पैंट खोल के हमको लंगा करके मार रहा था, डंटे डंटे साला का मुंह फोड़ दिए ईटा से। गुल्ली बोलता है, वाह मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, शाबाश। सोन बोलता है, तेरा शाबाश ही गया तेल लेने, अभी मैं मौत के मुंह में से आया हूँ। सोन भी जीप में बैठ जाता है। जैसे ही सोन जीप में बैठता है, सामने से जेब दौड़ता दौड़ता आता है। गुल्ली बोलता है, अरे ये क्या, जेब के आ रहा है। गुल्ली बोलता है, उड़ा डाल इस कुत्ते को। सोन बोलता है, अब ये एक्शन का समय है, अब इसका हड्डी तोड़ के इसके शरीर में रिएक्शन कर दो। गुल्ली बोलता है, तूने शेर से पंगा ले लिया है, अब तू ना बचेगा। गुल्ली जीप को बहुत तेजी से ले जाता है और जेब को उड़ा देता है। एक बार फिर से जेब टे बोल देता है। सोन और गुल्ली तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक बार फिर से जेब को जीप में बांध दिया जाता है। इस बार जेब को पीछे नहीं बल्कि आगे बोनट पर बांध दिया जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन तो लग रहे हैं कि बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। वो जेब को जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली सोन तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस देख के तो ये सीन चौंक जाता है, जेब को आगे बांध के कौन लाता है भाई। पुलिस इंस्पेक्टर गुल्ली बुल्ली और सोन से बोलता है, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने इस चोर के शक्ल जैसे दिखने वाले खूनी को पकड़ा है। सोन बोलता है, जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ना पकड़ पाती है उसे हम ही पकड़ते हैं। पुलिस बोलता है, ये बात तो सही है, इसे हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन तुम लोग ने कैसे पकड़ लिया। गुल्ली बोलता है, ये अंदर की बात है सर, रूपा फ्रंट लाइन, बड़े आराम से। सोन पुलिस इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, बोलता है कि इसे तबियत से कुटिएगा, साले ने मुझे बहुत मारा है, आप इसका हाथ तोड़ के मुंह में और मुंह तोड़ के हाथ में दे दीजिएगा। पुल कहाँ है। पुलिस इंस्पेक्टर गुल्ली बुल्ली सोन से बोलता है, इनाम बोलता है, इसकी टेंशन तुम मत लो, इसे तो मैं अच्छी तरीके से तोड़ूंगा, आज रात भर इसी की ही तोड़ाई चलेगी। गुल्ली बोलता है कि मेरा पैसा, मतलब मेरा इनाम का पैसा तुम्हें 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। सोन बोलता है, अगर इनाम का पैसा मिला तो मैं हेलीकॉप्टर कीनूंगा। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, कहानी की तो ये शुरुआत है, असली मजा तो आगे है। तीनों घर चले जाते हैं और तीनों घर जाके पहले तो टीवी देखते हैं, क्योंकि उन्हें टीवी देखना काफी ज्यादा पसंद है। गुल्ली बोलता है कि अभी टीवी खोल के न्यूज लगाओ, अभी तो हमारी ही तारीफें चल रही होगी क्योंकि हमने एक खूनी को पकड़ा है। सोन न्यूज का चैनल लगा देता है, लेकिन उसमें तो कुछ अजीब बता रहा है। दोस्तों इनकी गोली खाओ या तो फिर मच्छरदानी लगाओ, क्योंकि जिस शख्स को गुल्ली बुल्ली और सोन ने बहुत ही बहादुरी के साथ पकड़ा है, जेब द किलर को, वो खूनी अब किसी को मर्डर करने वाला है, शायद वो गुल्ली बुल्ली को ही मारेगा। दोस्तों गुल्ली बुल्ली ये न्यूज देख के तो अभी जेल तोड़कर फरार हो गया है और पुलिस की हत्या भी कर दिया है। तो दोस्तों इस खूनी से बच कर रहे क्योंकि काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, क्या जेब गुल्ली बुल्ली और सोन को मार देगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब, और ये ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा नए और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उनके बारे में सबसे पहले जानें।